हाँ शफक, फिक्स हो गई डेट? नहीं, पहले जहेज के मसले तो हल कर लें और आपकी बहन की फरमाइशें भी पूरी कर लें, फिर वक्त बचा तो तारीख भी पक्की हो जाएगी। क्या मतलब है, ये क्या कह रही हो? जूही ने कुछ कहा है? नहीं नहीं कुछ ज्यादा नहीं, बस सोने के कड़े मांगे हैं और तुम्हारे लिए गाड़ी मांगी है और एक लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट है जिसपे बात होना बाकी है अभी। ये सब जूही ने कहा है? पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अच्छा तो तुम्हें लगता है ये सब वो मासूमियत में कर रही है? मैं ये कब कह रहा हूँ? इरफान तुम मेरी बात सुन लो और समझ भी लो, तुम्हारी बहन एक नंबर की खुदगर्ज और मतलब परस्त है। भाई उसको तो लगता है कि वो रिश्ता करके हम पे एहसान कर रही है। और तुम्हारे माँ बाप वो भी वहां पे सुन के देखते रहे सब कुछ, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ये भी एहसास नहीं किया कि मुझ पे और मेरी माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। और सोचो कलीम भी बैठा हुआ था वहां पे, उफ इतनी बेइज्जती हुई है। तुम्हें जूही की बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसने जो कहा है अपनी आदत से मजबूर होकर कहा है। बाकी शादी मेरी और तुम्हारी है, अगर हम दोनों को एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो बाकियों की खैर है। और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना कि हम उसे कोई कड़े वड़े नहीं देंगे, भाई इतना शौक है तो अपने शौहर कलीम से मांग ले। ठीक कह रही हो तुम। हाँ तुम वहीं से बस यही कहते रहो, ठीक कह रही हो ठीक कह रही हो, मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं बंद कर रही हूँ फोन, खुदा हाफिज़। शफक हेलो, अरे